हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अमीर्स आर्ट्स बाय मेघा। तो ये हमारा चल रहा है 15 डेज मिनी माउंटेन कैनवास पेंटिंग चैलेंज, जिसमें मैं 15 डेज के लिए अपना माउंटेन के लिए प्यार एक्सप्रेस करूँगी थ्रू माय पेंटिंग्स। तो आज है डे 4 और डे 1 का वीडियो लॉन्ग सेगमेंट में अपलोड किया गया है, डे 2 और डे 3 का शॉर्ट वीडियो में। प्लीज़ उसको भी देखिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिसाइड किया था कि हम बातें क्या करेंगे, तो टुडे आई एम गोना शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंस जो मुझे ट्रैकिंग के उसमें हुए हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो बने रहिए एंड एन्जॉय द प्रोसेस वाइल लिसनिंग टू मी। और अगर आप लोगों को भी ट्रैकिंग पसंद है तो माउंटेन वाला इमोजी कमेंट कर दो। तो हम बात करते हैं आज मेरे फर्स्ट एवर ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो वो मैं गई थी मनाली में, एक जगह है नथन विलेज है, वहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक है जहाँ से हम 10,000 फीट तक जा सकते हैं। तो वो वाला ट्रैक मैंने जो ना सबसे पहला किया था, और मैं रही ओवरवेट ओबेस इंसान। तो क्या होता है ना, जब आप ट्रैकिंग पे जाते हो ऐसे, तो सुबह सुबह ट्रैक स्टार्ट करते हैं वो, और उसके पहले वाले दिन थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है सबका, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनका, जो गाइड होता है उनका, और बाकी सबको ना एक छोटा सा ट्रैक कराया जाता है ना। तो वहाँ पे ना शायद 500 मीटर का एक छोटा सा ट्रैक होगा, पर वो बहुत स्टीप था। तो वो करा हमने एंड मैं इतना थक गई थी उसमें, इतना थक गई थी कि जैसे मुझे ना सांस फूलने लग गई थी, और फिर मैं लास्ट थी जो उसको चढ़ के वहाँ पर पहुँची थी। तो मैं खुद भी डिसपॉइंट हो गई थी, और मैं खुद भी ऐसे सोच रही थी कि बस कल का तो छोड़ दो, मुझे जाना ही नहीं है, है ना, ऐसे कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा कल का, क्योंकि वो 10,000 फीट तक जाना था, और फिर ऑब्वियसली मतलब 5-6 किलोमीटर का वो ट्रैक था, ट्रेल भी मतलब ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, तो और मेरा फर्स्ट ट्रैक, तो मुझे तो लगा कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, करना तो है। तो दूसरे दिन ना जब ट्रैक स्टार्ट हुआ, तो बस मैंने क्या किया कि बस नीचे देखो, एक के बाद एक कदम लेते रहो, और अपनी धुन में मस्त होके चलते जाओ। और मैं इतना थक गई थी, हर 5 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद, फिर हर 10 कदम बाद मैं रुक रही थी, बट एट द एंड मैं ऊपर तक पहुंच गई। हालांकि मैं लास्ट पहुंची थी, बट स्टिल है ना, मुझे तो व्यू एंजॉय करना था, पहले करो या आखिरी में करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।